हेलो किड्स, वेलकम टू साइंस सेशन एंड वेलकम टू द चैप्टर वेस्ट वाटर स्टोरी। सो अब आपको समझ में आ गया है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेस्ट वाटर। मींस द वाटर डेट वी हैव यूज, हमें मिल गया है, हमने यूज कर लिया है एंड आफ्टर द यूज इट इज पासिंग थ्रू ड्रेनेज। सो ये जो वाटर है तो दिस इज नोन एज वेस्ट वाटर। और हमें ये भी पता चल गया ये जो वाटर है वी आर मेकिंग इट डर्टी। अब मेन थिंग है कि उसको हाउ कैन वी डू द रीयूज। सो आज हम लोग जो इस सेशन में है वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज सीवेज। ये सीवेज क्या होता है, लेट अस डिस्कस अबाउट इट। तो व्हाट इज सीवेज, सीवेज क्या है, इज वेस्ट वाटर रिलीज बाय होम्स। सो ये जो हमने यूज कर लिया हाथ धोते हुए, घर की क्लीनिंग करते हुए, कपड़े वॉश करते हुए, ये जो वाटर है क्या है, इट इज फ्लोइंग, वो थ्रू ड्रेनेज इट इज फ्लोइंग। सो ये जो वाटर जा रहा है दिस इज नोन एज सीवेज। और सीवेज क्या है, इज अ वेस्ट वाटर रिलीज बाय होम्स, जो हमने घर पर यूज करने के बाद उसको क्या कर रहा है, इट इज फ्लोइंग थ्रू डिफरेंट पाइपलाइन। और ये जो हमें मिल रहा है वाटर, ये खाली हमें घरों से नहीं मिल रहा है, वी आर गेटिंग फ्रॉम इंडस्ट्रीज, फ्रॉम हॉस्पिटल्स, ऑफिसेस एंड अदर यूजर्स। हॉस्पिटल में मींस जहां जहां पब्लिक है तो क्या है, हर जगह लोग वॉशरूम यूज करते हैं, हैंड वॉश के लिए यूज करते हैं, वो जो भी हमारा ऑफिस है वहां पे क्लीनिंग होती है। सो इवन अगर हम लोग वी आर ओनली वाइपिंग द फ्लोर, तो अब जो हमने हमारा हाफ बकेट लिया है थोड़ा बहुत हमारा एब्जॉर्ब हो गया, फिर वो जो हाफ बकेट आफ्टर क्लीनिंग क्या करते हैं हम लोग, वी थ्रो द वाटर। तो ये जो हम वाटर थ्रो कर रहे हैं दिस इज द सीवेज। इट ऑल्सो इंक्लूड्स रेन वाटर डेट हैज रन डाउन द स्ट्रीट ड्यूरिंग अ स्टॉर्म और हैवी रेन। ये सीवेज में क्या है, हमारा वो वाटर भी है जो ड्यूरिंग रेन्स इट इज गेटिंग मिक्स विद द ऑलरेडी फ्लोइंग सीवेज वाटर। और ये जो है रोड से क्या हो रहा है, रोड पे इतना डर्ट, इतना आपका गंदगी, इतने पॉल्यूटेंट्स, इवन कितनी जगह देयर आर नॉट प्रॉपर डस्टबिन्स, वो कचरा पड़ा हुआ है, तो जब रेन्स आ रही हैं वो सारा कचरा इज ऑल्सो फ्लोइंग विद द वाटर। एंड देन दैट जो रेन वाटर, एक अगर हम कहीं वेरी प्योर फॉर्म ऑफ वाटर, व्हेन इट इज फेलिंग ऑन द ग्राउंड एंड इट ऑल दैट रबिश इज गेटिंग मिक्सड विद इट, वो वाटर अब क्या है, ग्राउंड पर आके इट इज चेंजिंग टू सीवेज। वो सारा क्या हो रहा है, कचरा को साथ लेके जा रहा है, तो अ नंबर ऑफ पॉल्यूटेंट्स आर गेटिंग विद इट। और व्हेन इट इज मिक्सिंग विद मच मोर डर्टी वाटर, तो ये और भी डर्टी वाटर में इट इज ट्रांसफॉर्मिंग। सो सीवेज क्या है, अगर हम कहें इट इज अ लिक्विड वेस्ट, वेस्ट है लेकिन किस फॉर्म में, लिक्विड, क्योंकि उस अब पानी में ही हमारे सारा जो डर्ट है इज मिक्स्ड। मोस्ट ऑफ इट इज वाटर विच हैज डिसॉल्व्ड एंड सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज। सो सीवेज एक्चुअली क्या है, अगर हम देखें तो ये एक क्या है, बेसिकली इट इज अ वाटर, लेकिन इसमें क्या है, नंबर ऑफ इम्प्योरिटीज आर देयर, लॉट ऑफ इम्प्योरिटीज आर मिक्स विद इट। और ये जो इम्प्योरिटीज हैं वो अगर हम कहें, देयर आर सोल्यूबल इम्प्योरिटीज एज वेल एज इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज। सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज आर देयर, मींस कुछ तो वाटर में डिजोल्व हो गए और कुछ जो हमारे पॉलिथीन बैग्स हैं, रैपर्स हैं, आपका फूड मटेरियल जो पड़ा हुआ है वो सारा क्या, कुछ तो डिसॉल्व हो गया उसमें लेकिन कुछ नहीं डिसॉल्व हुआ, जैसे हमारे पील आउट्स हैं, तो ये सब क्या होता है, मिक्स होके दे फ्लो विद द वाटर। दीज इम्प्योरिटीज आर कॉल्ड कंटेमिनेंट्स। तो अगर हम कहें तो इसके लिए, इसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, वाटर इज कंटेमिनेटेड।
वाटर इज कंटेमिनेटेड मीन्स ऑल दीज कंटेमिनेंट्स आर एडेड इन द वाटर एंड व्हेन दीज आर एडेड विद द वाटर वी कैनॉट यूज दैट वाटर एंड दैट वाटर इज नोन बाय द टर्म ऑफ सीवेज. देख रहे हैं आप कहां हमारे पास वाटर नहीं है. अब जो वाटर है उसमें भी हम अ गुड परसेंटेज ऑफ इट वी आर चेंजिंग टू सीवेज. इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन सीवेज. सीवेज क्या है? इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स मिक्सचर कंटेनिंग सॉलिड सस्पेंडेड सॉलिड्स ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज न्यूट्रिएंट्स सेप्रोट्रॉफिक एंड डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोब्स. देख रहे हैं तो सीवेज में कितना कुछ है. आप देख रहे हैं सस्पेंडेड सॉलिड मटेरियल है, ऑर्गेनिक मटेरियल है, इनऑर्गेनिक मटेरियल है, फिर उसमें आपके न्यूट्रिएंट्स भी जो हमारे अभी आपके साथ डिस्कस करेंगे कौन से न्यूट्रिएंट्स भी हैं, फिर उसमें हम देख रहे हैं सेप्रोट्रॉफिक और जो डिजीज कॉजिंग जो बैक्टीरिया या छोटे जो और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं दे आर ऑल्सो देयर. ये सब कैसे है थोड़ा सा इसको अब हम डिस्कस करते हैं. ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज जो हमारे सीवेज में प्रेजेंट हैं वो क्या आ गए ऑर्गेनिक में आपके ह्यूमन फीकस, ठीक है, देन एनिमल वेस्ट. तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनका बॉडी वेस्ट मटेरियल भी एक्सक्रीट आउट करता है तो ऑल ये सब क्या होता है वाटर के में ही तो मिक्स होके इट फ्लोस. देन आपका ऑयल यूरिया पेस्टिसाइड्स हर्बिसाइड्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वेस्ट ये सारे जो हैं दे कम इन द कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज. आपने जो फल खराब हो गए हम लोग क्या करते हैं वी थ्रो इट. अब वो गार्बेज कब वाटर के साथ मिक्स हो जा रहा है एंड देन इट इज फ्लोइंग विद द वाटर वी डोंट नो. और इसी टाइप से जो हमारे फील्ड्स में हर्बिसाइड्स पेस्टिसाइड्स जो यूज होते हैं सो व्हेन वाटर इज फ्लोइंग थ्रू द फील्ड्स देन दोस आपके जो पेस्टिसाइड्स हैं हर्बिसाइड्स हैं दे मिक्स विद द वाटर एंड देन दे फ्लो विद द वाटर. अब ये वाटर फर्दर जाके अगर किसी भी लेक रिवर से मिक्स हो रहा है तो दैट दी ऑल दीज पॉल्यूटेंट्स आर देन गेटिंग पास टू देयर. तो एक जो वाटर इधर जिस फील्ड में बहुत सारे पेस्टिसाइड्स से उससे मूव कर रहा है एंड व्हेन इट इज गेटिंग मिक्स विद द अदर वाटर बॉडी ऑल दोस पॉल्यूटेंट्स आर बीइंग पास टू द अदर वाटर बॉडी. तो ऐसे हमारा ये जो हमारी इम्प्योरिटीज हैं दे कीप ऑन पासिंग. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज. इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज में क्या आ जाते हैं नाइट्रेट्स फॉस्फेट्स मेटल्स. सो अगर हम देखें कुछ हमारे क्या हैं ये हमारे क्रॉप प्रोडक्शन जहां हो रहा है वहां पर है बट बहुत सारे इसमें है दीज आर इंडस्ट्रियल वेस्ट ऑल्सो जहां हमारे केमिकल्स यूज हो रहे हैं इंडस्ट्रीज में. सो वहां पे जब वी क्लीन अप या अगर हमारा कुछ एक्स्ट्रा है वी आर जस्ट थ्रोइंग अप ऑल दीज क्या होता है कहीं भी अगर इफ वी वॉन्ट टू थ्रो एनीथिंग दे आर ओनली टू सोर्सेस ईदर वी पुट इन द डस्टबिन और वी पुट इन द ड्रेनेज. सो जहां पर भी कोई इंडस्ट्रीज ले लें कुछ ले लें तो ये सब क्या हो रहा है दे आर गेटिंग मिक्स विद द वाटर. अब जैसे आपकी केमिकल इंडस्ट्रीज हैं या जो आपकी मेडिसिन इंडस्ट्रीज है वहां पे क्या हो रहा है ऑल केमिकल्स आर यूज. सो जब वो प्रोसेस में चल रहा है तो कितना उसमें से वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहा है एंड वी आर जस्ट थ्रोइंग इट अवे बाहर हम डाल दे रहे हैं और वो कहीं और कलेक्ट हो रहा है या पास की वाटर बॉडी के साथ मिक्स हो रहा है एंड देन दीज ऑल इम्प्योरिटीज आर फ्लोइंग विद द वाटर. नाउ नेम ऑफ न्यूट्रिएंट्स दैट आर
प्रेजेंट इन सीवेज. तो ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये हैं फास्फोरस एंड नाइट्रोजन. सो नाइट्रोजन क्या है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट फॉर द सॉइल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सॉइल, वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर सॉइल. क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, लेकिन हमारी सॉइल उसको डायरेक्ट नहीं ले पाती है. फॉर डैट हमें नाइट्रोजन फिक्सर्स चाहिए, और ये नाइट्रोजन जब नाइट्रेट फॉर्म में आती है तभी सॉइल एब्जॉर्ब इट. सो ये हमारे सीवेज में ये भी जा रहा है. अगेन जो नाइट्रोजन है ये हमारे डिफरेंट, जो हम अपना ऑर्गेनिक वेस्ट निकाल रहे हैं उसका जब ब्रेकडाउन हो रहा है उसके थ्रू इट इज गेटिंग रिलीज, एज वेल एज जब दिस वाटर इज द वाटर डेट इज फ्लोइंग थ्रू फील्ड्स, सो उसमें भी ये मिक्स हो जाता है, और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन भी से भी मिक्स होता है. सो ये सब जो चीजें हैं ये भी हमारे सीवेज में प्रेजेंट हैं. फिर हम लोग देखते हैं बैक्टीरिया इन अदर माइक्रोब्स प्रेजेंट इन सीवेज. बैक्टीरिया सच एज विच कॉज कॉलरा एंड टाइफाइड. तभी व्हेन देयर आर फ्लड्स, तो जब फ्लड्स आते हैं किसी प्लेस पर उस जगह ये कॉलरा एंड टाइफाइड बहुत ज्यादा स्प्रेड आउट होता है, एंड इट इज लाइक एपिडेमिक. बहुत सारे लोग इससे सफर करते हैं. व्हाई, बिकॉज ये जो कॉलरा एंड टाइफाइड है दीज आर बैक्टीरियल डिजीजेस. मीन्स उस वाटर में ये बैक्टीरिया का जो परसेंटेज है इट इंक्रीज, वो बैक्टीरिया जो ये हमारी डिजीज कॉज करते हैं. सो इफ समवन इज यूजिंग डेट वाटर, वो किसी फॉर्म में भी यूज कर रहे हैं, देयर आर ग्रेट चांसेस डेट दीज बैक्टीरिया विल एंटर इन दोज बॉडीज, एंड देन पीपल आर गोइंग टू सफर विद ऑल दीज डिजीजेस. इसके बाद अदर माइक्रोब्स, और ये जो माइक्रोब्स हैं ये क्या करते हैं, डिसेंट्री. सो इसलिए कहते हैं कि वेन यू ड्रिंक वाटर, द ड्रिंकिंग वाटर, द वाटर डेट यू आर यूजिंग फॉर कुकिंग डेट शुड बी वेरी प्योर, वेरी क्लीन. बिकॉज अगर क्लीन वाटर नहीं है तो देयर इज अ लार्ज ग्रेट चांसेस डेट द बैक्टीरिया या माइक्रोब्स आर इन डेट वाटर, एंड व्हेन वी आर कंज्यूमिंग डेट वाटर वी आर सफरिंग फ्रॉम वन और द अदर डिजीज. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि जो हमारा वाटर हो इट शुड बी क्लीन एनफ, और उसमें ऐसी चीजें नहीं हो जो हमारे आगे प्रॉब्लम क्रिएट करे. सो अगर हमने डिफरेंट इम्प्योरिटीज को देखा तो सम इम्प्योरिटीज आर विजिबल टू अस, हम देखकर पहचान जाते हैं, बट देयर आर सम इम्प्योरिटीज डेट आर वाटर सॉल्युबल. वंस दे आर सॉल्युबल इन वाटर वी कैन नॉट रिकॉग्नाइज. तो इसलिए हम जहां से हम पानी ले रहे हैं तो वो हमें सोर्स पर मालूम होना चाहिए कैसा पानी उस सोर्स से आ रहा है और कितना हाइजीनिक है फॉर अस टू यूज इट. इसलिए घरों में हम लोग कहते हैं पानी बॉयल करके पियो, फिल्टर यूज करो, बिकॉज मे बी जब वो पानी आ रहा है डेट इज नॉट डेट प्योर एनफ, इट माइट बी कैरिंग ऑल दीज डिजीजेस इन इट. मीन्स ऑल दोज डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, ऑल दोज डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट देयर, कि वंस दे एंटर इन आवर बॉडी देयर आर डिजीजेस इनसाइड आवर बॉडी. सो इसलिए वाटर क्या है, आप देखें जहां हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है लेकिन वो हमारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकता है. सो व्हाट डिड वी लर्न इन दिस सेशन, इन दिस सेशन हमें पता चला सीवेज क्या है, जिसमें ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स आर एडेड, इवन हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आर ऑल्सो ओवर देयर. सो ये अब हमें पता चल रहा है. और दूसरी चीज जो हमने लर्न करी है कि अगर ये जो हमारा सीवेज में वाटर जा रहा है थोड़ा सा अगर रिसाइकल करके वी कैन प्योरीफाई इट, जो उसमें कंटेमिनेंट्स हैं वी कैन रिमूव इट, तो एटलीस्ट डेट वाटर कैन बी यूज फॉर सम अदर पर्पस, जो हार्म भी नहीं करे बट इन डेट वे वी कैन रिसाइकल द वाटर.
अब ये सब कैसे होता है, ये वाटर का प्योरिफिकेशन कैसे होता है, ये सब वी विल लर्न एज वी विल मूव इन द सेशंस। सो बच्चों, आप वाटर से रिलेटेड बहुत कुछ सीख लिया है, गिव अ थॉट ऑफ इट, खुद भी समझे, और ये चैप्टर से अब आपको पता चल रहा है कि कितनी प्रिकॉशंस आपको अपने आप भी लेनी है टू अवेल एंड टू टेक क्लीन वाटर। तो सी यू अगेन इन द नेक्स्ट सेशन, बाय।